हेलो एवरीबॉडी, मैं त्रिशा सक्रियास माइकल्स मैती किचन में सबका स्वागत। आज हम बनाएगा बटर चिकन। इसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन। इसमें बोनलेस पीस भी है और हड्डी के साथ भी है। ये मैं 1 आवर मैरिनेट किया। मैरिनेशन के लिए मैंने यूज़ किया 1 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी। इसका अलावा ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून चिल्ली पाउडर, ये भी कश्मीरी चिल्ली पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 10-12 काजू, 4 मीडियम साइज ओनियन, 3 टोमेटो, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, बटर, मिल्क क्रीम, कुकिंग ऑयल। पहले हम यह चिकन हाफ फ्राई करेगा। यह सौन गया, तेल डाल दिया, स्मॉल स्मॉल बैचेस में हमें चिकन फ्राई करेगा, नहीं तो बहुत तेल वेस्ट हो जाएगा। तेल गर्म हो गया, अब ये चिकन पीसेस एक एक करके इसमें डालेगा। एक साइड फ्राई होने के बाद फिर मिलेगा। एक साइड मीडियम फ्लेम में 5 मिनट्स में फ्राई किया, अभी इसको उल्टा करेगा। एक साइड फ्राई हो गया, दूसरा साइड फ्राई होने के बाद फिर हम मिलेगा। फ्राई होने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही लगता है। ये चिकन दोनों साइड हाफ फ्राई हो गया, अभी मैं इसको निकाल रहे। अब ये पूरा चिकन हाफ फ्राई करने के बाद फिर हम मिलेगा। हमारा चिकन पूरा हाफ फ्राई हो गया। इसी तेल में यूज़ करेगा ये ओनियन टमाटो वाला फ्राई करने के लिए, लेकिन थोड़ा से तेल। गैस फुल फ्लेम में रख दिया, ओनियन डाल दिया। 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं टमाटो डालूंगी। नमक डाल दिया, टमाटो डाल दिया, अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। अभी 3-4 मिनट भूनने के बाद फिर हम मिलेगा। 4-5 मिनट हो गया, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, गरम मसाला पाउडर डाल दिया, काजू डाल दिया। अब यह मीडियम फ्लेम में 5 to 7 मिनट पकने दो, उसके बाद फिर कम मिलेगा। हमारा ये ओनियन टमाटर मिक्सचर अच्छा से पक गया। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए वेट करेगा। ठंडा होने के बाद हमको इसको मिक्सी में पीसना है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये मसाला मैंने पीस लिया, गैस ऑन किया, थोड़ा से और बड़ा से कढ़ाई रख दिया। अब ये कढ़ाई गर्म होने के लिए हम इंतज़ार करेगा। कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें मैं 2 टेबलस्पून बटर डाल रहे। बटर पिघल गया। ये ओनियन टोमेटो मिक्सचर इसी में डाल दिया। कम से कम 5 मिनट्स ये मसाला मिक्सचर मैं फ्राई करूँगी। 5 मिनट्स हो गया, इसमें मैं 500 ml पानी ये मिक्सी धो के डाल दिया। अभी ये उबलने के लिए हम वेट करेगा। ये ग्रेवी उबल गया, इसमें मैं 1 छोटा चम्मच चीनी डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दिया, क्रीम लगभग 100 ml क्रीम डाल दिया। अभी मैं इसमें ये चिकन हाफ फ्राई करके रखा हुआ चिकन डाल रहे। ये उबल गया, इसको मैं ढक के रखें 8 to 10 मिनट्स और इसको पकाएगा मीडियम फ्लेम में।
हमारा बटर चिकन बन गया। अगर आपको चाहिए तो ये सारा बटर चिकन बनाने का प्रोसीजर आप लोग बटर में बना सकता है। मैं दोनों तरीक़े से मैंने बना के देखा, लेकिन खास कोई टेस्ट डिफरेंस मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैं बटर और तेल दोनों यूज़ करके अभी बटर चिकन बनाता है। बटर चिकन मैंने डिश आउट कर लिया, इसके ऊपर थोड़ा बटर डाला और गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी क्रीम डाल रहे। हमारा बटर चिकन इज़ रेडी टू सर्व। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और एक वीडियो के साथ मैं जल्दी आ जाऊँगी। तब तक के लिए अलविदा।